हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाएंगे सर्दियों में बनने वाले गोंद के लड्डू। ये लड्डू बनाना बहुत आसान है, पर इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती है ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो ही ये खाने से फ़ायदा करते हैं। और अगर हम सही चीज़ें सही नाप से डालेंगे तो ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इसे हर कोई खा सकता है। यहाँ पे मैंने शक्कर का यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही अमेजिंग लड्डू बने हैं। इसे आप बच्चों को, बड़ों को, डायबिटीज़ वालों को, सभी को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और मैंने इसे कैसे बनाया है तो इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आप इस तरीके से एक बार बनाएंगे ना तो आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। ये खाने में इतने सॉफ्ट और इतने टेस्टी बने हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं और उड़द की दाल यूज़ की है, यानी कि उड़द की दाल का हम आटा बना के वो यूज़ करेंगे। यहाँ गेहूँ का आटा मैंने बहुत कम यूज़ किया है। तो आप यहाँ पे जो डायबिटिक पेशेंट है या फिर जो डाइट पे हैं वो लोग भी खा सकते हैं। यहाँ एक कटोरी मैंने उड़द की दाल ली है, जिसे मैं अच्छे से हल्के से गीले कपड़े से पोंछ दूंगी। इसके ऊपर पाउडर बहुत होता है तो इसे पोंछना ज़रूरी है। वैसे आप इसे धो के तुरंत सुखा के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पोंछ के ले ली है और इसे मैं ग्राइंडिंग जार में डाल दूंगी और इसे एकदम फाइन पाउडर हमें ग्राइंड करना है। पाउडर ग्राइंड करके इसे हमें छान लेना है ताकि हमें एकदम फाइन पाउडर मिले। और जो पीछे बड़ी उड़द की दाल थोड़ी सी भी बचेगी तो उसे आप फिर से ग्राइंड करके फिर से छान सकते हैं। तो ये पाउडर जो है वो बाज़ार में भी इजीली मिल जाता है, उड़द की दाल का पाउडर बोलेंगे तो ये आपको तुरंत बाज़ार में मिल जाता है कोई भी ग्रोसरी शॉप में। तो यहाँ उड़द की दाल का पाउडर रेडी है। अब हम गोंद का पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो ये बड़ा गोंद भी ले सकते हैं, पर बड़ा होने की वजह से बच्चे खाते नहीं हैं तो मैं इसे फाइन पाउडर करके डालती हूँ ताकि उन्हें समझ में भी नहीं आता है कि हमने इसमें गोंद डाला है और ये मुंह में चिपकता भी नहीं है। तो इसे मैंने फाइन ग्राइंड कर दिया और एक बोल में ले लिया है। अब हम ड्राई फ्रूट्स को भी ग्राइंड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमें कोर्सली ग्राइंड करना है तो इसके लिए मैंने यहाँ बादाम ले लिया है, एक कप, आधा कप के जितना पिस्ता ले लिया है। इसी के साथ मैंने बहुत थोड़े से काजू भी डाले हैं और यहाँ पे एक कप जितना मैंने वॉलनट्स भी डालना है। अब ये सब चीज़ें फ़ायदा करती है, काजू कम फ़ायदा करता है इसलिए मैंने कम ऐड किया है इसके अंदर। इसे हमें कोर्सली ग्राइंड करना है, यानी कि थोड़े से इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स के चंक्स रहने चाहिए तो वो लड्डू खाने का मज़ा आता है। तो अब यहाँ पे मैं एक बोल में ले लूँगी और इसमें जो बड़े बड़े बच गए हैं बादाम के वगैरह टुकड़े, इसे हम फिर से ग्राइंड कर देंगे। आप चाहें तो ऐसे ही रखने हैं तो रख सकते हैं। अब एक कढ़ाई के अंदर मैं यहाँ घी ले लूँगी। तो पहले मैंने यहाँ पे एक कप घी लिया है, जिसमें से 4 से 5 चम्मच के जितना घी मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और इसी के साथ हमने जो ग्राइंड किया था उड़द का आटा वो भी डाल देंगे। फ्रेंड्स, उड़द की जो दाल है वो बहुत फ़ायदा करती है, इसलिए हम यहाँ पे उड़द की दाल यूज़ करते हैं। पर इसका कभी कभी जो टेस्ट है वो थोड़ा सा रॉ आता है तो उसके लिए हम साथ में यहाँ पे गेहूं का आटा भी यूज़ करते हैं थोड़ा सा, जिससे कि इसका टेस्ट जो है वो बैठ जाता है और खाने में लड्डू टेस्टी बनते हैं। अब ये सारे प्रोसेस को आपको स्लो आँच के ऊपर ही करना और घी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है, एक साथ घी ऐड ना करें। अब यहाँ पर हम गेहूँ का आटा डाल देंगे। गेहूँ आटा जो है वो मैंने एक कप के जितना लिया है। आप चाहें तो ये टोटल गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, टोटल उड़द के दाल के आटे से भी बना सकते हैं। और इसे हमें एकदम स्लो आंच के ऊपर सेकना है तो आटा जो है वो बहुत अच्छा सीखेगा। अब यहाँ मैं देखिए थोड़ा थोड़ा घी ऐड करती जा रही हूँ। एक साथ हम करेंगे तो ज़्यादा अगर घी हो गया तो लड्डू बांधना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते हैं। इससे हमें कंसिस्टेंसी भी पता चलती है आटे की कि हमें आगे चल के कितना घी यूज़ करना है। तो यहाँ पे टोटल मुझे 1.5 कप के जितना घी लग गया था
इतनी सब सामग्री में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और घी ऐड किया है। मैं इसका टेक्सचर आपको आगे बताऊँगी कि कैसा होना चाहिए। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं 3-4 टेबल स्पून के जितना घी और ऐड किया है, और ये हल्का सा आटा जो है वो लिक्विड जैसा हो गया है। तो इस तरीके का ये हमें टेक्सचर चाहिए। ये जब आटा सिकता है, तो जब घर महकने लगता है, तब आपको समझ जाना है कि आपका आटा सिक गया है। इसे सेकते मुझे 15 मिनट हो गए थे, और अब मैं इसके अंदर जो हमने गोंद का पाउडर बनाया था वो डाल दूंगी, और इसे इस तरीके से हम चलाते रहेंगे जिससे कि ये गोंद का जो पाउडर है वो बहुत अच्छे से अंदर सिक जाता है और फिर मुंह में चिपकता नहीं है। बड़े टुकड़े रखने से उसके जो चंक्स होते गोंद के वो मुंह में चिपक जाते हैं कभी कभी, नहीं अगर वो फ्राई होता है बराबर। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ी खसखस ले ली है, 2-3 टेबल स्पून की जितनी खसखस है, इसे भी हम डाल देंगे इसके अंदर, और हल्की आँच के ऊपर इसे भी रोस्ट कर दे जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को जब हम रोस्ट करते हैं तो इन लड्डुओं की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। ये लड्डू को आप 1 से 1.5 महीना रख सकते हैं और आराम से रोज़ एंजॉय करके खा सकते हैं। इसे आप दूध के साथ बच्चों को बड़ों को दे, सुबह ब्रेकफास्ट में ये एक लड्डू और दूध ले लेंगे तो आपको दोपहर तक भूख नहीं लगेगी, पेट भरा रहेगा। अब यहाँ पे हमने सौंठ पाउडर ऐड कर दिया। ये सौंठ पाउडर मैंने घर पे बनाया था, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप ज़रूर चेक करें। यहाँ पे 2 टीस्पून जितना सौंठ पाउडर ऐड किया है, 1.5 टीस्पून के जितना मैंने यहाँ काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। फ्रेंड्स, काली मिर्च सौंठ जो है वो सर्दियों में बहुत फ़ायदा करती है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। अब दोनों सीख गए हैं थोड़े से 2 मिनट, तो अब इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर है वो डाल दूंगी। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आ रहा है, और इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स जब सीख जाते हैं थोड़े से, तो इसी के साथ हमें यहाँ पे कोकोनट पाउडर ऐड कर देना है। ये जो कोकोनट ड्राई मिलता है उसी को मैंने ग्रेट करके थोड़ा सा ग्राइंड कर दिया था। कटोरी शेप में होता है वो कोकोनट, और पूरा कोकोनट भी मिलता है ड्राई। आप चाहें तो इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये वाला जो होता है वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। डेसिकेटेड कोकोनट में से ऑयल जो है वो निकाला हुआ रहता है, तो आप ये वाला यूज़ करें, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे मैं सारा सीख गया है ये मिक्सचर, तो इसे एक प्लेट में ले लूँगी, बड़ी सी प्लेट में, परात में ले लिया है मैंने, और उसी कढ़ाई के अंदर अब मैं 2-3 टीस्पून के जितना घी और डालूँगी। इसके साथ ही हम इसके अंदर 2 से 2.5 कप के जितना गुड़ डाल देंगे। गुड़ जो है वो मैंने एकदम फाइनली चॉप किया है, जिससे कि ये कढ़ाई गर्म है तो गुड़ जो है वो आसानी से मेल्ट हो जाएगा। अगर ये गुड़ मेल्ट नहीं होता है तो आप कढ़ाई को आँच पे रखें, और एकदम आँच को स्लो रखें, और जब तक गुड़ मेल्ट होता है तब तक ही हिलाएं। इसका पाक नहीं बनाना है हमें, और ये जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो आप इसे नीचे उतार दें। नीचे उतार कर आप इसे मिक्सचर के अंदर डाल दें, गरम गरम गुड़ मिक्सचर में डालें और फिर इसे हिलाएं। अगर आप नीचे गुड़ को मेल्ट करते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ पे हम इस मिक्सचर को हिला लेंगे, तो ये बहुत गर्म है तो मैं यहाँ झारे से ही इसे पहले हिला लूँगी, फिर हल्का सा ये ठंडा होगा तब हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। तो इसमें हम अब थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे, और यहाँ पे मैंने एक जायफल ले लिया है। जायफल को थोड़ा सा इसके अंदर ग्रेट करके डालेंगे। सर्दियों में जायफल ज़रूर डालें इसके अंदर, और जायफल जो होता है वो बहुत फ़ायदा करता है। इनफैक्ट जिसे नींद की प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो जायफल बहुत अच्छा है, दूध में हमेशा लेना चाहिए, जिससे कि नींद बहुत अच्छी आती है। अब हम इसे हाथों से इस तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि गुड़ और ये मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और हम इसके लड्डू बांध सकें। जब आप लड्डू बांधेंगे तब मिक्सचर जो है ये वाला हल्का गर्म होना चाहिए, तो उससे लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बिखरने लगते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। अब ये देखिए, ये थोड़ा ठंडा हो गया, मैं लड्डू बांध रही हूँ तो ये फटाफट एकदम लड्डू बन जाते हैं। बिल्कुल मुझे टाइम नहीं लगा था, और इतनी सामग्री में 25 से 26 लड्डू बन गए थे। तो यहाँ हम सारे लड्डू बांध देंगे।
तो फ्रेंड्स एंजॉय कीजिए विंटर सीजन में गोंद के लड्डू या अर्दिया पाक, ये राजस्थानी स्टाइल में बने हैं, होप आपको पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास ही जो बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत ही मिले। मैं देखिए एक तोड़ के बता रही हूँ इसका टेक्सचर कितना अच्छा बना है, एकदम टेस्टी बने हैं, बहुत ही हेल्दी है। आप इसे ज़रूर बनाएँ और एंजॉय कीजिए विंटर में गोंद के लड्डू।